हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कायनाथ क्रिएशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डीआईवाई हाइलाइटर। तो इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कॉम्पैक्ट पाउडर। मैंने यहाँ पे क्रश करके कॉम्पैक्ट पाउडर लिया था। आप अपने नॉर्मल कॉम्पैक्ट पाउडर को क्रश कर सकते हैं। उसके बाद मैं लूँगी शिमरी पाउडर या फिर आई शेडो। यहाँ पर मैंने शिमरी पाउडर यूज़ किया है। और उसके अलावा मैं लूँगी रबिंग अल्कोहल, इसे आप स्पिरिट भी कह सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले मेरा वीडियो देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे हाफ स्पून जो है शिमरी पाउडर लिया था। ये मेरे पास शाइनिंग ट्रांसलूजेंट पाउडर रखा हुआ था, मैंने वो यूज़ किया है। उसके अलावा मैं कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ थोड़े से कलर के लिए। अगर आप चाहें तो आप आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं। आप गोल्डन, सिल्वर या फिर पिंक कलर में भी आई शेडो यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आई शेडो नहीं यूज़ किया, मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया और मेरे पास ये सिल्वरी काइंड ऑफ शिमरी पाउडर था, तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये पाउडर फॉर्म में बन चुका है और आप देख सकते हैं इसका पिगमेंटेशन कितना हाई है। तो यहाँ पे ग्लिटर बिल्कुल मत यूज़ करिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो शिमर और ग्लिटर में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ग्लिटर यूज़ करेंगे तो बहुत चंकी बनेगा, इसलिए आपको शिमरी पाउडर यूज़ करना है। आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बिलीव मी ये बहुत मैसी हो जाएगा, तो ये एक अच्छा आइडिया नहीं है यूज़ करने के लिए। मैं इसमें अभी एक कैप जो है स्पिरिट ऐड कर रही हूँ। स्पिरिट कुछ नहीं बल्कि रबिंग अल्कोहल होता है, और ये आपको कोई भी फार्मेसी में मिल जाएगा, फार्मेसी यानी कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐसे ही रख देंगे तो ये बहुत टाइम लगेगा इसे सेट होने में, लेकिन मैंने इसे ऐसे यूज़ नहीं किया था। ये एक ऑन द स्पॉट आपको ये एक DIY इल्यूमिनेटर, लिक्विड इल्यूमिनेटर का काम करेगा, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये एग्जैक्ट DIY इल्यूमिनेटर नहीं है। अगर आपको वो देखना है तो कमेंट कीजिए। इसका पिगमेंटेशन भी बहुत हाई होगा, लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने एग्जैक्टली इसमें और थोड़ा ट्रांसलूजेंट पाउडर ऐड किया था, ताकि ये एकदम केक फॉर्म में केक फॉर्म हो जाए इसका। तो मैंने इसे ऐसे ही रख दिया था, और इसमें मैंने थोड़ा और ट्रांसलूसेंट पाउडर और कॉम्पैक्ट डाल के इसे अच्छी तरीके से सेट कर लिया है कॉम्पैक्ट केस में। और जो एक्सेसिव रबिंग अल्कोहल है, मैं उसे इस तरीके से निकाल लूँगी। तो आपको इसी तरीके से निकालना है। आप चाहें तो आप यहाँ पे टिश्यू यूज़ कर सकते हैं। मैं पेपर इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि पेपर ज़्यादा सोक करेगा। तो मैंने यहाँ पे करीबन दो पेपर यूज़ किया था, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा रबिंग अल्कोहल नहीं डाला। अगर आप ज़्यादा रबिंग अल्कोहल डालेंगे तो आपको ज़्यादा पेपर्स लगेंगे। तो आप देख सकते हैं मेरा जो DIY हाइलाइटर है वो रेडी है। ये बहुत आपको एक सटल लुक देगा और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये। मैंने इसे एक अपने पुराने वीडियो में यूज़ किया है, मैं उस वीडियो का लिंक आपको नीचे दे दूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको पिगमेंट समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एक स्मूथ जगह पे दिखा देती हूँ। ये बहुत पिगमेंटेड है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, इसे बनाएं और देखें कि कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और DIY है तो बेस्ट है, ये बहुत ईजीली बन जाएगा। आई शेडोज तो होंगे आपके पास। इस आइकन पर क्लिक करने पर आप सब्सक्राइब बटन तक पहुँच जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट टाइम, बाई।